बट ओवरऑल जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करी, वहाँ पे उन्होंने गलती कर दी क्योंकि नर्वस बहुत थे। हालांकि नर्वसनेस होती है, ठीक है, बहुत बड़ा मैच था, कोई छोटा मैच था नहीं। अब आप ये सोचिए कि 2-2.5 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मैच खेल रहे हैं, इतना प्रेशर होता है। तो इस वजह से ये पहला रीज़न हो गया जिसमें मैं हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरा रीज़न, हमारे बैट्समैन, जो शुरुआती बैट्समैन केएल राहुल से उम्मीद थी, रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीद थी, वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दूसरा रीज़न ये। तीसरा रीज़न एक्चुअल में ये था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, और रन की बात करें तो रन बहुत कम थे। फिर ऊपर से जो वहाँ के ओपनिंग बैट्समैन ने एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन अफरीदी ने वहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करी। यहाँ से बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और साथ ही रिजवान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी, दोनों मैच जिता कर ले गए, मैच हाथ से निकल गया। तो वाकई में वेल प्लेड कहना चाहिए, बट दिल अंदर से अफसोस कर रहा था कि ये क्या हो गया। बट अगर बात करें तो कोई अच्छा खेल रहा है तो उसे अप्रिसिएट जरूर करना चाहिए। वो लोग अच्छा खेले नो डाउट, हार जीत तो लगी रहती है। हम सारे हिंदुस्तानी यही चाहते थे कि हम मैच जीतें, पर नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। बट ओवरऑल जो भी है, खेल भावना हमेशा यही कहती है कि जो अच्छा खेलता है उसे अप्रिसिएट जरूर करना चाहिए, हालांकि वो अच्छा खेले